बयान आईएमसी में 500 पद खाली है, टांडा में 400 पद खाली है। मैंने कहा अभी तुरंत प्रभाव से ये 500 और 400 पद बनने चाहिए, दो हॉस्पिटल तो हम ठीक रखे और आने वाले 6 महीने के अंदर सभी जगह जहां पीएससी खुली है वहां भी हम डॉक्टर उपलब्ध करवाने जा रहे हैं और जहां नर्सिस की कमी है उन नर्सिस को भी हम उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। मैंने नर्सिंग स्टाफ से पूछा कि आप एक पेशेंट को कितना देखते हैं, कहती है मैं एक पेशेंट को 10 घंटे 12 पेशेंट देखने पड़ते हैं। हमने वर्ल्ड के नॉर्म्स को लिया, अब हमने कहा कि एक नर्स स्टाफ नर्स 6 पेशेंट्स को देखेगी। डॉक्टर जो 24 घंटे काम पर लगाए रखते हैं उनके भी हमने पद भरने के लिए कहा कि 8 घंटे एक डॉक्टर आराम से पेशेंट को देखे ताकि उसकी बीमारी का सही ढंग से इलाज हो सके। और जितने सरकारी कर्मचारी हैं, हमारी सरकार ने आर्थिक तंगी के बावजूद भी 7% का डीए आप लोगों को दिए, और जो एरियर था बजट से पहले मैंने उसमें भी बराबर का आपको हिस्सा दिया। अभी 15 अगस्त को हमने 75 साल से ऊपर के 28,000 पेंशनर है, 28,000 उन पेंशनर्स का मैंने कहा कि पूरा एरियर बुजुर्गों को देना चाहिए। कई जगह बुजुर्ग के परिवार में कोई पढ़ाई कर रहा हो, सरकारी नौकरी ना हो, उसका खर्चा चले, तो हमने वो भी घोषणा कर दी कि पूरा एरियर। पंजाब 7वां लगता प्रदेश है, डीए तक की अभी उनसे किस्त नहीं दी जा रही, एरियर तक की किस्त नहीं दी जा रही। 7% दिया मेरे समय का, 12% उन्हीं के समय का, बीजेपी के समय का। मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं जितने भी हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, कि आने वाले समय में जैसे जैसे हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार होगा आपके एरियर को भी और डीए की किस्त को भी हम आपको तुरंत प्रभाव से देने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी आपको हमारा साथ देना है, अगले 6 महीने में हम अपनी अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने लगे हैं, तो आप हमारे साथ खड़े हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कर्जे पर कर्जा लेकर हम 9% ब्याज दे रहे हैं, 9% ब्याज दे रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों के हाथ में पैसा है, गांव के किसान के हाथ में पैसा है, हमारी सरकार इस दृष्टि से भी काम कर रही है। अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हो रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था में पिछले साल 20% का सुधार हुआ, जिसके कारण मैंने आपको 7% डीए की किस्त दी, और अब भी सुधार और तेजी से हो रहा है। और अगर ये सुधार होता रहा तो वो खुशखबरी आपको जल्दी ही मिल जाएगी, इसमें कोई दुविधा नहीं है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, आपकी भी जिम्मेवारी है कि प्रदेश आत्मनिर्भर बने, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, हमारे आम आदमी को अच्छा स्वास्थ्य लाभ मिले। क्या कारण है कि हिमाचल प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर कैंसर का राज्य बनता जा रहा है, पहले नंबर पर नॉर्थ ईस्ट, दूसरे नंबर पर हिमाचल। कारण यह है कि हम अपनी क्वालिटी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं है, लाइट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्योंकि हमने ये सोचा जो आप बना मुफ्त में बांट जाओ, जब तक मेरा राज है मुफ्त में बांट जाओ। लेकिन आप ये नहीं देखते जो हिडन एक्सपेंडिचर आप लोगों का बीमारी के पीछे होता है, जब कोई आदमी बीमार हो जाता है तो पैसे की परवाह नहीं करता कि मैं किसी तरह ठीक हो जाऊं, वो हिडन एक्सपेंडिचर जो आपका मेडिकल में होता है हम उसको भी बचाना चाहते हैं। उसके लिए हमें क्वालिटी वाला पानी आपको देना पड़ेगा। अगर हम मुफ्त में बांटते रहे, हर चीज मुफ्त में करते रहे, तो वो दिन दूर नहीं कि कर्जे पर कर्जे के बाद हमारी जो युवा पीढ़ी है जिस पर अभी 1,05,000 रुपए का कर्जा चढ़ा है, ये बढ़कर 2 लाख और 3 लाख ना हो जाए। हमने कुछ फैसले करने हैं और उन फैसलों की दृष्टि से आप लोगों का साथ चाहिए। देंगे भी आप लोग साथ नहीं देंगे, देंगे हाथ खड़ा करें, दिया भी 6 महीने तो नहीं मानेंगे ना। नहीं, पर ऐसा नहीं है,
आप सोचिए, ये आप ही की सरकार है, आप लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है, आपके हित के लिए चुनी हुई सरकार है। तो आप लोगों को ये भी मिलेगा और धीरे धीरे आपका एरियर भी मिलेगा। हम उन चुनौतियों से भागने वाले नहीं है कि हम अगले वर्ग छोड़ दें। हम अपने बच्चों को भी, युवा जो भविष्य की चुनौतियों वाली शिक्षा है, उससे लड़ने की ताकत हम अपने बच्चों में भी देना चाहते हैं। ये हमारा शिक्षा नीति का प्रचार और प्रसार है। आने वाले समय में मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं, इसका रिजल्ट आने वाले मार्च से पहले हमको दिखने लगा है। शराब की ऑक्शन होती थी बीजेपी के समय में, सिर्फ 160 करोड़ रुपया एक साल का आता था। हमने शराब की ऑप्शन से 600 करोड़ रुपया एक साल में लिया, यानी कि दूसरे साल भी 600 करोड़ हुआ है। इनके समय 50% का नुकसान हुआ। इसी तरह और नीतिगत बदलाव है, कुछ और स्कूलों को हम मर्ज करेंगे अभी, और कॉलेज में भी हम कहना चाहते हैं, कॉलेज खोलना आसान है, नोटिफिकेशन कर दो, दो टीचर रख दो, कॉलेज खुल गया। पर कॉलेज में अगर क्वालिटी की एजुकेशन नहीं मिलेगी तो हम उस युवा को भी धोखा दे रहे हैं जो कॉलेज में पढ़ने आ रहा है। उसे के हाथ में तो हम डिग्री पकड़ा दे रहे हैं, लेकिन उसके आत्मविश्वास को हम कमजोर कर रहे हैं। तो हमें कॉलेज की भी रेशनलाइजेशन की जरूरत है। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बड़े गौर से इन चीजों को देख रहे हैं। तकनीकी शिक्षा में भी हम काफी सुधार कर रहे हैं। हमने मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस दृष्टि से हमारी सरकार ने पॉलिटेक्निकल में स्टार्ट किया है। धर्मानी जी तो खुद NIT से पढ़े हैं, हमीरपुर इंजीनियरिंग कॉलेज होता था वहां से पढ़े हैं। तो युवाओं को किस प्रकार की भविष्य की शिक्षा तकनीकी में होनी चाहिए, धर्मानी जी उस पर भी कार्य कर रहे हैं। पर मैं कहना चाहता हूं, हमारी सरकार आम जनता की सरकार है, आप लोगों की सरकार है। ये सरकार तभी प्रदेश को आत्मनिर्भर बना सकती है जब समाज के सभी वर्गों का और सरकारी कर्मचारी जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में विकास की गाथा लिखी है, उनका सहयोग चाहिए। हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी, अगर भारत सरकार हमारा 9000 करोड़ रुपया आज रिलीज कर दे, जिसमें आपका अंशदान भी है 4500 करोड़, जो 12% आपका अंशदान करता वो भी है, जो हमारा 13% है वो भी है, तो डीए का आपका इनाम भी पूरा दे देंगे। लेकिन वो मुझे पता है वो राजनीति करेंगे, उसकी लड़ाई आप भी लड़िए हमारे साथ मिलकर, कि हमारा पैसा है। जब हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दे दी तो उनको कुंडली मारकर बैठने की कोई जरूरत नहीं है, आप हमें दीजिए। तो ये सारी चीजें जहां विकास में लगेगी वहां एरियर में भी लगेगी, डीए में भी लगेगी और शिक्षा के स्तर को भी बढ़ाने में लगेगी। यही मैं आपके साथ कहना चाहता हूं और प्यारे बच्चों से ये अनुरोध करना चाहता हूं कि आप भविष्य की चुनौती से लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। और खासकर टीचर से भी कहना चाहूंगा, हमारे समय तो कान भी पकड़ लेते थे, आजकल कान पकड़ने का रिवाज चला गया, डंडे मारने का रिवाज चला गया। तब यूं हाथ खड़ा करते थे ना, यूं खींचते हैं, अब तो वो रिवाज चला गया। लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए थोड़ा अगर टांग डबट भी लगानी पड़े तो उसमें टीचर को हिचकिचाना नहीं चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन में हम इम्प्रूवमेंट कर सके। यही मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चे अगर शिक्षक के पास होते हैं तो जब वो स्कूल में होते हैं तो वही उनके पेरेंट्स हैं, बच्चों के पेरेंट्स टीचर ही होते हैं, जब वो घर में होते हैं तो वो उनके पेरेंट्स हैं। तो अगर थोड़ा डांट डपट लगाकर पढ़ाने में, थोड़ा क्वालिटी एजुकेशन में सुधार हो तो उसमें थोड़ा हिचकिचाना नहीं चाहिए। सरकार आपके साथ है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत विस्तार से हिमाचल प्रदेश के सरकार का जो रोड मैप है वो अच्छा, और अब इस कार्यक्रम का समापन हम राष्ट्रीय गान के साथ करेंगे।